नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। वेलकम बैक टू द माय चैनल द फैक्ट। और आज का फैक्ट है टाइम, जो कि टाइम का चैप्टर नंबर 1 होगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर आप अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो अगले फैक्ट्स आएंगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो ठीक है, आज का जो टॉपिक है द फैक्ट फैक्ट का जो है टाइम के बारे में, क्योंकि हम हमेशा जो सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब ये टाइम आता कहाँ से। टाइम कहीं भी आएगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। और वो निकालना कैसा, उसके बारे में छोटी सी मैं एक नुस्खा बताऊँगा, वो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके लिए आपको वॉच में आपको एक मिनट देखना है। तो एक मिनट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो एक मिनट ख़त्म होने के लिए आप बोलेंगे यार कब ख़त्म होगा एक मिनट, क्योंकि 60 सेकंड होने के लिए बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो एक्सपेरिमेंट आप मेरा वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, या तो फिर उसके बाद भी कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले तो आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि एक मिनट में दुनिया भर में कौन सी चीज़ें हो जाती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक मिनट में गूगल में 2.5 मिलियन सर्चेस होते हैं। एक मिनट में दुनिया का सबसे अमीर इंसान जो कि अमेजोन के सीईओ और फाउंडर है, वो लगभग $66,000 एक मिनट में कमाते हैं। हमारे बॉडी में लगभग एक मिनट में 45,000 माइल ब्लड ट्रैवल करता है। एक मिनट दुनिया भर में 255 बच्चे जन्म लेते हैं और 108 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये तो सारी चीज़ें हो गई ग्लोबल लेवल पे। अगर आप सोचोगे कि और क्या चीज़ें एक मिनट में हो सकती, तो उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे चुका हूँ कि आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक मिनट में आप क्या क्या कर सकते हो, इसी चीज़ें बताने की मेरी महत्व इसीलिए था कि आप जो आपकी जो समस्या है कि हम खुद के लिए टाइम निकाल नहीं पा रहे हो, क्या मतलब कैसे हम खुद के लिए टाइम निकालेंगे। तो उसका जो मेरा आज का जो टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट है वन मिनट का, वो एक मिनट का इसलिए कि आप अगर खुद के लिए अगर एक मिनट निकालते हो उसमें आप क्या क्या कर सकते हो। तो ये बात को ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर इसके बाद आप जब ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप खुद में ट्राई करेंगे कि हम जो दिन भर की सारी मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डेली रूटीन के लाइफ में जो जो मतलब बिजी होते हैं उसमें से हम अपने लिए कितना टाइम निकाल पाते। तो आपको मैं एक छोटी सी हैबिट बताऊंगा, अगर आप खुद के लिए अगर एक मिनट भी निकालते हो तो उसमें क्या कर सकते हो। अगर आपको कोई पेंडिंग काम है, कोई मतलब आप जो चीज़ को आप सोच रहे हैं उसके लिए मुझे टाइम निकालना है, आप निकाल नहीं पा रहे, तो एक मिनट आप ज़रूर निकाल पाओगे। मतलब आपकी जो पहल होगी एक छोटी सी, मतलब आप एक मिनट से स्टार्ट करके उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। मतलब जिस चीज़ को आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपके पास टाइम नहीं था, पर वीडियो एंड होने के बाद आप खुद के लिए जब एक मिनट निकालोगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा और वो हमारे लिए क्या क्यों ज़रूरी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। उसके लिए एक एग्जांपल दूंगा कि आज 80% लोगों के पास मतलब स्मार्टफोन्स है, तो स्मार्टफोन्स में जो गूगल प्ले है वो गूगल पे हमेशा 2, 4 या 6 महीने के बाद हमें अपडेट देता है। ये क्यों देता है, क्योंकि वो अपने एप्लीकेशंस को अपडेट करने के लिए कोई फीचर्स ऐड करने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, ग्राफिक्स होता है, उनके मलवारेज होते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें अपडेट करने के लिए वो हमें अपडेट देता है। और हमें वो बोलता है कि अब अपने एप्लीकेशन अपडेट कर लीजिए, मतलब गूगल प्ले तक अपने एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए कोई फीचर ऐड करने के लिए अपडेट देता है 6 महीने के अंतराल में। तो हम अपने आप को अपडेट कब करेंगे, तो जो डेली रूटीन की लाइफ जो हमारी जो फास्ट जो बढ़ रही है, मतलब जो तेज़ी से लाइफ बढ़ रही है, उसमें हम खुद को अगर अपडेट नहीं करेंगे तो आने वाले कल में हमें आप खुद को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम एक मिनट में कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप खुद को 23 घंटे 59 मिनट छोड़ के एक मिनट आप खुद को देंगे तो उसके बाद में आप जरूर पाओगे कि आपने एक दिन में एक मिनट में क्या सीखा, क्या नया सीखा और क्या नया कर सकते थे। तो आप अगर ये चीज़ें खुद पे इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि आप हर दिन कुछ नया कर सकते हैं। चलो आपके पास जिम के लिए टाइम नहीं है, चलो किसी को मिलने के लिए टाइम नहीं है, कुछ नई चीज़ें इनोवेटिव करने के लिए टाइम नहीं, तो उस चीज़ को बस एक मिनट दीजिएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। मतलब जिस चीज़ को एक मिनट नहीं था उस चीज़ को आप लगभग 1, 2, 3 और बाद में हम उसको एक्सटेंड कर सकते 10 मिनट तक। मतलब जिस चीज़ को आप हमेशा समस्या थी आपकी को टाइम निकाल नहीं पा रहे, आपको एक मिनट फैक्ट से आप खुद को एक मिनट देने के बाद उसमें इंटरेस्ट जब बढ़ेगा आप अपना टाइम एक्सटेंड ज़रूर कर सकते हैं। तो शायद मैं यही सोचता हूँ कि आज को आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा, जो आज का वन मिनट फैक्ट था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरा जो चैनल है द फैक्ट, और ऐसे ही फैक्ट आपको हमेशा मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।